हर गुजरते दिन मशाल कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आती है। इस केस में मुबैना तौर पर मुलविस दो अहम मुलजिमान यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल बख्श और तालिब इलम आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके साथ गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 34 हो गई है। DPO मर्दान डॉक्टर मियाँ सईद के मुताबिक मुलजिम बिलाल बख्श अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर ऑपरेटर था, जिसे इंतजामिया ने सिक्योरिटी का इंचार्ज तैनात किया था। मुलजिम बिलाल बख्श पर इल्जाम है कि उसने बगैर किसी इंक्वायरी या तस्दीक के मशाल और उसके साथियों को कत्ल करने के लिए वहाँ मौजूद लोगों को मुश्तइल किया। इस बात का एतराफ पहले से गिरफ्तार मुलजिम वजाहत अपने बयान में भी कर चुके हैं। वजाहत ने अपने एतराफी बयान में कहा था कि शोबे जर्नलिज्म का एक लेक्चरर मुश्तइल तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहा था कि एन उसी वक्त बिलाल बख्श ने आगे बढ़कर मशाल और उसके साथियों के साथ सख्ती से निमटने और मशाल को कत्ल करने के लिए लोगों को उकसाया, जिस पर हुजूम मुश्तइल हो गया। दूसरे मुलजिम तालिब इलम आमिर को चरसद्दा के इलाके तंगी से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान की शनाख्त मुख्तलिफ वीडियो से की गई है। 92 न्यूज ने अहम मुलजिम बिलाल बख्श की तस्वीर हासिल कर ली है। आलमगीर खान, 92 न्यूज, पिशावर।